व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, बम्बई बिरयानी। तो बम्बई बिरयानी हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं अपने स्टाइल से। तो जी जनाब, ये देखें, ये हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। 1 किलो चिकन की हम बिरयानी बना रहे हैं, 1 किलो चिकन और 1 किलो ही चावल। तो आज हम आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही आसान और ईजी तरीके से। तो यहाँ पे हमने ले लिए प्याज, प्याज हमने ली है यहाँ पे हाफ के जी प्याज हमने डाल दी है। तो प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट ब्राउन करना है। तो लाइट ब्राउन प्याज जैसे ही होने लगेगी, फिर हम अपने खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले में हमने ले लिया है 1 बादियान का फूल, और 4-5 हमें लिए हैं काली मिर्चें, और 4 अदद हमें लिए हैं लौंगे, और 1 हमें लिए है दालचीनी का टुकड़ा खुशबू के लिए, और 1 बड़ी इलायची हमें लिए है यहाँ पर, और बाकी हमें लिए है तेज़पत्ता। तो चलें जी, प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन होती है, फिर हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी प्याज हम इसमें रहने देंगे और थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे। तो जी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, और यहाँ पे हमने जो गरम मसाले रखे हुए थे वो गरम मसाले हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं, और आधी प्याज हमने इसमें से निकाल ली है ताकि हम जो है इसको ऊपर से गार्निशिंग कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं आधी प्याज, थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है गार्निशिंग के लिए, और बाकी गरम मसाले हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं। चूल्हे की आँच कर दी है हमने हल्की। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के ले लिए हैं, वो यहाँ हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हिला के डालेंगे ताकि प्याज हमारी जल ना जाए। इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक लहसुन अदरक की स्मेल जो है ख़त्म नहीं हो जाती। तभी बस ये आप देख सकते हैं ये चिकन है। चिकन मैंने यहाँ लिया है 1 किलो। 1 किलो चावल में 1 किलो चिकन डालूंगी। बिल्कुल बराबर का डालिएगा, बिल्कुल कम नहीं करिएगा, ना ज़्यादा ना कम। भले से ज़्यादा हो जाए पर कम ना करेगा। तो चिकन मैंने ये है यहाँ पे ज़रदा कलर जो होता है फूड कलर, वो मैंने यहाँ पे इसको पहले से ही लगा के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। और अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये मसाले हमारा हो गया है, और जो लहसुन अदरक की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को जो है इसमें हम अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन का हमने कलर जो लगाया इसलिए लगाया ताकि हमारी जो है ये बिरयानी जो है बम्बई बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी बने, और बिल्कुल बाहर की देगी बिरयानी जैसी होती है देख की, और बिल्कुल वही टेस्ट आए। चिकन को हमने यहाँ पे अच्छी तरह भून लिया है। अब हम यहाँ पे जो है मसाले जो ऐड करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। 1 बड़ा चमचा हमने यहाँ ले लिया है पिसा वो कुटा हुआ धनिया, और यहाँ पर ले लें 2 चमचे हमें ली कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चमचे, और यहाँ पर 1/2 चमचे से भी कम हमने लिया है 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, और 1 बड़ा चमचा हमने लिया है यहाँ पे किसी भी लाल मिर्च, और यहाँ पे हमने कुछ ये लिया है गरम ये बिरयानी बम्बई बिरयानी मसाला। अगर आप ये डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो आप इन मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये मसालों की क्वान्टिटी मैंने कम रखी है घर के मसालों की, और ये मसाले मैंने इसकी क्वान्टिटी मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि आज हमारी बिरयानी जो बनने जा रही है, या आज हमारी बिरयानी बनने जा रही है स्पाइसी मज़ेदार चटपटी किस्म की। जो लोग चटपटा खाते हैं और जो चटपटा नहीं भी खाते हैं उनका भी ख्याल रखा है हमने, क्योंकि जो हम इसमें तेल लगाएंगे जो बिरयानी की जो वाइट चावल जो बॉईल करेंगे, तो उसकी जो अगर जो मिर्चें कम खाते हैं तो उनका भी हमने ख्याल रखा है कि वाइट चावल उन्हें ज़्यादा दे दें और मसाला उन्हें कम दें। तो इस तरह आप दे सकते हैं उनको भी। तो चलो जी, जो मसाले हमने लेके रखे थे वो मसाले अब हम यहाँ ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन मसालों को अच्छी तरह हम भून लेंगे चिकन के साथ। और यहाँ पे हमने जो बिरयानी मसाला रखा था वो भी हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि मसाले हमारे गले नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप भुनाई करते रहें, क्योंकि भुनाई करना ज़रूरी है इसकी। और तेज़ आंच पे ही इसकी भुनाई होती है, हल्की आंच पे नहीं करिएगा भुनाई।
तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं भुनाई इसकी अच्छी तरह हो गई है और थोड़ा सा पानी हमने यहाँ ऐड कर दिया है आधे गिलास के बराबर, ताकि इसमें चिकन जो है हमारा गल जाए। अब इसको हम करते हैं 10 मिनट के लिए बंद और 10 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। तो जी, बस यहाँ पे हमने रख दिया है पानी बॉयल करने है चावलों के लिए। तो इसमें जो हम गरम मसाला ऐड करेंगे, एक चम्मच हमने गरम वो ले लिया है ज़ीरा, और एक हमने लिया है बादियान का फूल, एक हमने लिया है बड़ी इलायची, और एक हमने लिया है पत्ता तेज़पत्ता, और कुछ हमने लिए काली मिर्चे और लौंगे। तो ये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम नींबू का जो रस है वो भी ऐड कर देंगे। नींबू का हमने रस निकाल दिया था, एक बड़े नींबू का, और यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे 2 चम्मचों के बराबर हम यहाँ ऑयल शामिल करेंगे। तो ये देखें, ये ऑयल हमने शामिल कर दिया है ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से बॉयल हो जाए, और इसको हम यहाँ पे चला देंगे। और यहाँ पे अभी हम नमक भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक जो है मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिया है, उससे ये है कि नमक हमें यहाँ पे अच्छा रखना है, बिल्कुल सही रखना है, कम नहीं रखना, क्योंकि इस टाइम पे जो नमक अच्छा डालना चाहिए इसमें अपने, यानी कि जो आप डालते हैं उससे थोड़ा सा 1-2 गुना ज़्यादा डालें आप नमक, उससे ये है कि चावलों में नमक फीका नहीं रहेगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा। तो अगर चावल के अंदर अगर नमक फीका रह जाए तो फिर चावल टेस्टी नहीं होते हैं, फिर बगैर नमक के थोड़े हल्के फीके फीके से लगते हैं। तो क्योंकि पानी तो हम यहाँ पे इसको निथार ही देंगे, फिर चावलों में जो पानी नमक बैठता है वो बहुत कम बैठता है। तो नमक मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको करती हूँ बंद बॉयल आने तक। जैसे इसमें बॉयल आएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पे जो है 2 घंटे पहले हमने चावल भिगे हुए हैं हमारे, और चावल भीग के हमारे काफ़ी देर हो गई, 2 घंटे हो चुके हैं। तो फिर जैसे इसमें बॉयल आएगा फिर हम चावल ऐड करेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे चिकन भी हमारी तैयार भी रवा दवा है, और यहाँ पे मैं जो है मैंने नमक ऐड नहीं किया था शुरू में, मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। अगर हम नमक शुरू में ऐड कर देते हैं हम चिकन के अंदर, तो चिकन हमारा जो है मरा मरा सा हो जाता, और जो है बिल्कुल यानी कि उसके जो है ना बिल्कुल घुल जाता, तो जल्दी चिकन घुल जाता है नमक जब पहले डालने से। तो नमक आप बीच में ऐड करिएगा, उससे ये होता है कि चिकन आपका जल्दी घुलेगा नहीं और खड़ा खड़ा नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं चिकन की ये गल भी चुका है माशाल्लाह अच्छी तरह, और चिकन हमारा बिल्कुल साबुत है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी करेंगे भुनाई, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर जो है पक रहा है हल्की आँच पर। अब इसकी भुनाई करके फिर इसमें हम टमाटर ऐड करते हैं। तो जी, ये बस आप देख सकते हैं भुनाई हमारी जो है सालन की बहुत अच्छी हो चुकी है, और यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा पानी रहने दिया है, हमने ज़्यादा खुश्क नहीं किया है, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा इसमें मसाला चाहिए और थोड़ा सा हमें शोरबा भी चाहिए जो हम तेल में लगाएंगे। तो ज़्यादा शोरबा नहीं, देखें बिल्कुल इतना ही रोगन के थ्रू है, बस जैसे रोगन होता है ना वैसा वो है। तो यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं यहाँ पर टमाटर हमने यहाँ काट के रखे हुए, तो टमाटर हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम बहुत कम टमाटर ऐड करेंगे यहाँ पर, यानी कि थोड़े टमाटर हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, और टमाटर डाल के फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। जी, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है अब हम डालते हैं थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, और 5-7 अदद हमने ली थी हरी मिर्चें, तो वो हरी मिर्चें भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। पुदीना थोड़ा सा मतलब ये है कि आधी गड्डी पुदीना हमने डाला है, और आधा जो हमने रख लिया गार्निशिंग के लिए, और धनिया भी हमने आधी गड्डी डाली है यहाँ पर, तो गड्डी का हिसाब रखिएगा आप। तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि अच्छी तरह मसाले में ये भी मिक्स हो जाए टमाटर भी। ऐसा चिकन को चलाएं, वैसे तो हमारी गारंटी है कि चिकन जो है हमारा टूटेगा नहीं, गारंटी देते हैं हम आपको। देखें चिकन भी हमारा गल गया है, लेकिन देखें अल्लाह का शुक्र है, देखें खड़ा खड़ा है चिकन। अक्सर लोगों की जो यही शिकायत होती है चिकन जो है टूट जाता है भुनाई करते हुए, टूट जाता है। ये देखें अच्छे से हमने कर दिया है मिक्स करने के बाद अब हम इसको करते हैं बंद, और हल्की आंच पे हमने इसको दम लगा दिया है 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट बाद अब हम चलते हैं चावलों की तरफ, चावल का पानी क्या बोलता है। चलें जी, यहाँ पे हमने रखा था पुदीना यहाँ पे भी ऐड कर देंगे हम, और हरा धनिया। पुदीना अगर हम पहले ऐड कर देते तो काला पड़ जाता, अब हम चावल ऐड करेंगे। तो जी, बस ये आप देख सकते हैं, ये 2 घंटे पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, अब हम इसे ऐड करते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि छींटे ना आए आपके ऊपर, एहतियात भी ज़रूरी है। चलें जी, इसको अब हम चला देते हैं ताकि इसको जो है हमें एक कनी पे हमें उतारना है, एक कनी पे नहीं दो कनी पे हमने इसको उतारना है, और तीसरी कनी पे फिर हम इसको जो है दम पे लगाएंगे, पे लगा के अब इसे करते हैं हम बंद। चलें बस चेक करते हैं, चावल हमारे अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं, देखते हैं इसको जी। चावल तो हमारे एक कनी पे आ गए हैं, एक से दो कनी पे आ गए, हमें दो कनी पे चाहिए थे, ये देखें। चलिए अब हम निकालते हैं, बस यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ताकि चावल जो है हमारे लगे ना, तो ऑयल डाल के हम इसको इस तरह फैला लेंगे पूरी डेगची में। देखें मैंने वहाँ पे ऑयल डाला है थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो इसमें सालन में से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको निकाल के बता दूं किस तरह लेके इस तरह हम फैला सकते, क्योंकि बिरयानी में जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें इस तरह दबा के आप ऑयल निकाल सकते हैं, इस तरह आप फैला दें, ये देखें सब जगह ये ऑयली ऑयल हो गया है। अब इस पर हम लगाएँगे तेल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावलों को हमें फैला देना है। यह आप देख सकते हैं हरा धनिया जो पुदीना हमने बॉयल चावलों में डाला था, देखें ये काला नहीं पड़ा है, देखें ये अभी भी ग्रीन ग्रीन है, अगर हम शुरू में डाल देते तो ये काला पड़ जाता। चलें जी अब हम डालते हैं सालन जो हमने तैयार किया है कोरमा, इस तरह इसको हम फैला देंगे ऐसे करके। थोड़ा सा हम जो शोरबा इसमें रखते हैं सालन में इसलिए रखते हैं ताकि चावल जो हम दो कनी को उतारते हैं वो इसी के पानी में हो जाए, चावल जो रह जाते हैं दो कनी पे वो इसी के पानी में हो जाएं। अगर आप एक कनी पे उतारेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको जो है चावलों को दम लगाने में टाइम लगेगा, फिर अब इसके ऊपर चावल की लेयर डालेंगे हम दूसरी, ये देखें इस तरह बिछा देंगे, इस तरह हमने इसको फैला दें। तो ये दूसरी हमने सालन की लेयर डाल दी है और ये चावलों की तीसरी लेयर जा रही है, तो ये इसको भी इसी तरह करके हमने फैला देना है चावलों को। चावल देखें माशाल्लाह कैसे निखरे निखरे बने हैं, खिले खिले, ये देखें इसको भी हमने इस तरह फैला दिया। अब शुरू का जो प्रोसेस है वो हम इसमें शुरू करते हैं, डालते हैं। तो जो हमने टमाटर जो हमने बचा के रखे हुए थे वो हम इस तरह से इसमें बिछा देंगे, यहाँ पर जो हमने धनिया बचा के रखा हुआ था ये हरा धनिया डाल दिया, इस पर हरे धनिया की लेयर आ गई इसके ऊपर, और ये हमने कुछ पुदीना बचा के रखा हुआ था तो पुदीने की लेयर आ गई। बिरयानी के अंदर अगर पुदीना नहीं हो तो बिरयानी की खुशबू दुबाला नहीं होती है, अगर बिरयानी की खुशबू आपने दुबाला करनी है, मज़ेदार करनी है, तो उसमें पुदीना बेहद ज़रूरी है, और पुदीने के साथ साथ धनिया का भी कंट्रास्ट करिएगा बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्याज हमने बचाई हुई थी, ये प्याज हमने ऐड कर दी है इसके ऊपर, ये देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बिरयानी का एसेंस डाल रहे हैं, अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ऐड करूँगी, और यहाँ पे एसेंस आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, अगर आपने एसेंस यहाँ ज़्यादा डाला तो उससे क्या होगा, चावल बिरयानी जो है हमारी कड़वी हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा डालने से कड़वाहट आ जाती है। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं केवड़ा, अच्छा यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं सूखा फूड कलर, आप चाहें तो इसको पानी में भी हल करके डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ सूखा डाल रही हूँ, तो फूड कलर अपने हिसाब से रखिएगा आप, वैसे कम ही रखिएगा क्योंकि ज़्यादा कलर डालने से ये होता है कि चावल सारे पीले पीले हो जाते हैं, तो वाइट चावल फिर कम ही नज़र आते हैं। तो चलें अब इसको लगाते हैं दम पे, चेक करते हैं बिरयानी के दम कहाँ तक आया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और यह आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी अच्छा निकल दम आ चुका है, और मसाला भी कितना अच्छा अच्छी तरह बैठा है, ये आप देखें। तो धुएं की वजह से आपको थोड़ा सही नहीं दिख, ये देखें आधी हम मिलाएंगे और आधी हम छोड़ देंगे, ये देखें बिल्कुल बाहर की देगी बिरयानी जैसा लुक आया है। चलें अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो जी व्यूअर्स आज देख सकते हैं बिरयानी बनके हो गई है तैयार, और उसके साथ खीरा और मूली और टमाटर, और ये चीज़ें अगर ना हो तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आप चिकन बिरयानी मज़ेदार सी और बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह ये बनी है, बिल्कुल देगी बिरयानी जो हम बाहर खाते हैं जो आप कहते हैं टेस्ट नहीं आता
उसका वो खुशबू नहीं आती, तो ये खुशबू जो है मैं महसूस कर सकती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू बिरयानी की आ रही है, और आप इसको खाएंगे और खा के बताएंगे तो आप कह नहीं सकते कि ये जो है ना घर की बनी हुई बिरयानी है। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी है। तो हमने ये जो है जो लोग चटपटा खाते हैं उनके साथ साथ हमने फीका खाने वालों का भी हमने इंतज़ाम किया है। हमने ये नहीं कि जो चटपटा खाते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सोचा है, हमने उनका भी सोचा है जो बेचारे फीका खाते हैं, तो उनके लिए हमने थोड़े वाइट चावल हमने अलग से अलग निकाल के रख दिए हैं। अगर वो जैसे उनको थोड़ा स्पाइसी लगती है तो वो मसाले के साथ वाइट चावल मिक्स करके खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पाइसी कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बन गई है, तैयार हो गई है, और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, सिर्फ ये 1.5 घंटे में बिरयानी बनी है। मैंने टाइम देख के, मैं खड़ी हुई थी और टाइम देख के खड़े होने के बाद मैंने जब टाइम देखा तो ये दम आने के बाद 10-15 मिनट इसने दम पे लिए हैं, और दम आने के बाद ये पूरा 1.5 घंटा बनी है बिरयानी ने, पूरा 1.5 घंटा लिया है। तो 1.5 घंटे में आपकी बिरयानी झटपट से हो जाती है तैयार। तो चिकन भी आप देख सकते हैं कहीं से भी टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, चिकन भी बिल्कुल साबुत खड़ा है बिरयानी के अंदर। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और फिर मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।